तो ढाल थे भैया, खूब दूर निकाल लिया पूरे पुल पे। पुल भी 1400 मीटर का है वहाँ पे, नहीं 1400 नहीं है, 900 नहीं यार होगा, 950 मीटर का पुल है वहाँ पे, ठीक है। 1 किलोमीटर में थोड़ा सा कम है बस, समझ लो 900 मीटर का पुल है वो। उस पर ले गया मैं रिक्शे को खूब तगड़े से, और बस खूब भगा रहा था, खूब भगा रहा था, फुल स्पीड थी। अब जैसे ढाल पे आया मैं, पुल पार हुआ ना जब, तो ढाल पे आया, ढाल से ऐसे निकला था मान के चलो 100 मीटर आगे, 100 मीटर आगे निकला था भैया। उधर से कार आ रही थी स्पीड में, अब कार वाले को चूती को पता ही नहीं यार, उनने क्या करा ऐसे ऐसे करके करके कार हिला दी पूरी, ठीक है। हम ही डर गया भाई, मेरा भी रिक्शा ऐसे मैंने इधर को मार दिया ऐसे एकदम से करा, तो भैया 2 पहिए पर चलने लग गया ऐसे करके टेढ़ा 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 टेढ़ा। फिर भाई सीधा हो गया, फिर वो अपने आप फिर ऐसे ही हो गया टेढ़ा सा, और टेढ़ा सा होते ही फिर भैया पता नहीं क्या हुआ, जाके गंगा जी में धड़ाम से गिर गए। हम थे, बाबा था एक बैठा पीछे, और रिक्शा था। तो हमारा तो ये लगा था, अंदर कान था और बहुत चीज़ें मतलब फट गई थी, ऐसे लग गए थे निशान सान। अब तो ये ओठ इधर से उधर पूरा फट गया था यार, बहुत दिक्कत, मतलब ऐसा हुआ था भाई साहब कि बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट क्या था, गंगा जी में गिरे थे। अब भैया उस समय बारिश का टाइम चल रहा था, बहाव बहुत तेज था गंगा जी में, और शुक्र की बात तो ये है जहाँ पे गिरे थे जा करके ना, तो वहाँ जब जाओगे तुम देखोगे गंगा जी में फर्रुखाबाद में, तो घटिया घाट है, घटिया घाट के इस तरफ जो साइड में है पत्थर पड़े, बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े गंगा जी में, गंगा जी के किनारे डूबने से पहले कम से कम पत्थर पड़े हैं बहुत बड़े बड़े, तो मैं उन पत्थर पे गिरा जा करके। और रिक्शा तो भैया इतनी जगह से टूटा, वो सब पहिया उसके ऐसे ऐसे थे ना गोल, ऐसे हो गए सब गोल गोल हो गए उसके रिक्शे के पहिए भाई। बाबा की तो हालत ख़राब हो गई थी, उसका ये पीठ उठ बहुत सारा सब छिल गया था पूरा, टूटा तो कुछ नहीं था लेकिन पूरा शरीर छिल गया था, मतलब ये खाल ही नहीं रह गई थी ऊपर की पीठ की, सब छिल गई थी। और हम तो डायरेक्ट रिक्शा लेकर ही गिरे थे, इसलिए मुझे जहाँ जहाँ पे उसका पत्थर लगा वहाँ वहाँ मैं फट गया था मांस बस। हाँ लेकिन ठीक होने में भी इसकी 50 रुपये की दवाई ली थी सिर्फ, मात्र 50 रुपये में ठीक करवा दिया था इसको। तो ये थी हमारी एक्सीडेंट की कहानी। और फिर उसके बाद मेरा ये दांत मान के चलो 2 साल, 14, 6, 2, 8 भाई कम से कम दांत को मैंने 8 साल तक संभाला इसको। ये जो हमारे दांत है ना यार अब तो ठीक है, अब तो कोई नहीं हिलते, 10 साल हो गए दांत, उस समय ये सब हिल लेता ऐसे ऐसे करके हिलते, बहुत तेज हिलने लगे थे सब, सारे दांत हिल लेते बहुत तेज, मैं रोज़ इन्हें हिलाता था, थोड़े दिन तक बहुत हिलाया, फिर एक दिन समझ में आया कि ना यार इनको हिला मत, रोज़ रोज़ हिलाएगा तो बाद में निकल जाएंगे, इनको छोड़ दे इसी, हो सकता सेट हो जाए, तो तब से छोड़ दिया। आज 10 साल हो गए भाई, अब जाके दांत हमारे सेट हो चुके हैं, लेकिन एक दांत ख़राब हो गया, वो कैसे, हमें लग रहा है इसमें ज़्यादा चोट लग गई थी भाई, तो इसकी जो अंदर की नस है वो कहीं फट गई थी। फिर डॉक्टर को दिखाया था मैंने, यहाँ पे इलाज करवाया था इसका, ऐसे लगे थे 2100-2200 रुपये लिए थे उन्होंने, कि नहीं यार हाँ ऐसे लिए थे, फिर 2100-2200 रुपये लिए थे उन्होंने, कहा था हम दांत नहीं निकालेंगे बस इसका कलर चला जाएगा, इसको सही कर देंगे अंदर से ही नस इसकी जो है फटरी, पहले क्या था इसमें मवाद बन जाती थी हर बार यार, वहीं मवाद बन जाती थी, मतलब 2-3 घंटे में मवाद तैयार हो जाती थी ऐसा था। फिर मैंने इसको सुधरवाया 1600-1700 रुपये दे करके, तो इसका जो है कलर इफेक्ट हो गया है, काला सा आ गया है हाँ, लेकिन इसमें कोई दर्द नहीं होता है, कोई दर्द नहीं होता है इसको, और ना इतना बेकार भी नहीं है। तो हमने सोचा चलो नकली से अच्छा तो सकती है अपना साला, हल्का फुल्का काले तो है। कमेंट करके बताओ भाई किस किस को हमारा आइडिया अच्छा लगा, है नहीं, और ये बताओ